विद्यार्थियों, हिंदी अनिवार्य है। कक्षा 12 में हमारा पाठ चल रहा था रहीम के दोहे, रहीम के दोहे या रहीमदास, ये पिछले वीडियो में भी नीति के दोहे और रहीम नीति के दोहे हैं। रहीमदास जी इनके लेखक हैं, अब्दुल रहीम खान खाना। तो देखिए, ये हमारा चल रहा था पिछले वीडियो से, और पिछले वीडियो में हमने आपको जो रहीमदास जी के 5 या 6 दोहे हैं वो हमने पढ़ा दिए थे, लेकिन फिर भी हम 6ठे दोहे से इस वीडियो में लेकर के और चलते हैं। तो देखिए, कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि सर, जो दोहे हैं इन दोहों को थोड़ा लयबद्ध तरीके से पढ़ करके और सुना करके तब इनका हिंदी अर्थ करें तो और भी अच्छा लगेगा। तो उन सभी की फरमाइश को ध्यान में रखते हुए और हम इनको आप लोगों को लयबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे। तो देखिए, 6ठा जो दोहा है हमारा वो है, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सोबा, रहीमन फिर पोइए टूटे मुकुता हार, रहीमा टूटे मुकुता हार। तो इस तरीके से लयबद्ध तरीके से इनको पढ़ा जा सकता है, और इस तरीके से पढ़ करके और इनका हिंदी अर्थ हम करते हैं। तो देखिए, पहले भी हमने आप लोगों को इसमें बताया और आज पुनः एक बार पुनः दो जो दोहे हैं उनका व्याख्यात्मक रूप में आप लोगों को बतलाऊंगा। तो देखिए, इस दोहे के माध्यम से और रहीमदास जी हैं वो शिक्षा देते हैं, हमको सीख देते हैं और कह रहे हैं भाई, हमें जो अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, हमेशा उनसे मेल बना करके रखना चाहिए। अगर किसी बात को लेकर के वे हमसे नाराज हो जाएं तो हमें उन्हें बार बार मनाने का प्रयास करना चाहिए। तो कहा है कि रूठे सुजन मनाइए, सुजन मतलब अच्छे लोग, सज्जन लोग। जो सज्जन लोग हैं उनको हमें बार बार मनाने का प्रयास करना चाहिए। जो रूठे 100 बार, कि अगर वो सैकड़ों बार भी हमसे रूठ जाएं फिर भी हमें बार बार पुनः पुनः उन्हें मनाने का प्रयत्न करना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार, कि जिस प्रकार रहीमदास जी बताते हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर उसका हार टूट जाता है तो उसे बार बार पिरोने का प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी जो सज्जन व्यक्ति हैं अगर वे हमसे नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो उन्हें हमें मनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसका व्याख्यात्मक रूप भी इसी तरीके से है और कहा गया है सह प्रसंग के माध्यम से, भाई ये पंक्तियाँ या पद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक के नीति के दोहे नामक पाठ से अवतरित किए गए हैं। इनके लेखक महाकवि या कविवर या कवि श्रेष्ठ रहीमदास जी हैं। तो रहीमदास जी के द्वारा ये कृत हैं या लिखे गए हैं या रचित हैं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके माध्यम से रहीमदास जी अच्छे लोगों से हमेशा संबंध बनाए रखने की सीख देते हुए कहते हैं, कि क्या कहते हैं वो हम व्याख्या में लेंगे। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन व्यक्तियों से हमेशा मेलजोल बनाए रखना चाहिए। अगर किसी बात को लेकर के वो हमसे नाराज हो जाएं या रूठ जाएं तो हमें, अगर वो 100 बार रूठते हैं तो 100 बार ही उनको मनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से मोतियों से बना हुआ हार अगर बार बार टूट जाता है तो उसे बार बार ही पिरो लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति हैं
वो भी हमारी शोभा बढ़ाने वाले मोतियों के समान होते हैं, जिनके संपर्क में आकर के हमारे अंदर सद्गुणों का विकास होता है और दुर्गुणों का नाश होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी हमें रूठने पर भी बार बार मना लेना चाहिए और उनके सानिध्य में रहना चाहिए। ये इस प्रकार से इसका व्याख्यात्मक रूप हम लेकर चलेंगे। अगला जो है दोहा वो है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कह रही में पर काज हित, संपत सचेई सुजान रहीमा, संपत्ति संचय ही सुजान। तो देखिए इसमें परोपकार की भावना का संदेश दिया गया है और कहा गया है कि मनुष्य को हमेशा परोपकारी भावना अपने अंदर रखनी चाहिए। तो देखिए क्या कहा है कि रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से तरुवर, तरुवर मीन्स वृक्ष, कि जिस प्रकार से वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाता, सरोवर, सरोवर मीन्स तालाब, तालाब कभी भी अपने पानी को स्वयं नहीं पीता, उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं, सुजान लोग होते हैं, वो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही धन का संचय करते हैं या धन संग्रहित करते हैं, ऐसा रहीमदास जी कहते हैं। अब इसको व्याख्यात्मक रूप से पुनः और एक बार थोड़ा सा खोल करके देख लीजिए कि रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा परोपकार की भावना अपने मन में बनाए रखनी चाहिए, जिस ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाता, तालाब अपने पानी को स्वयं नहीं पीता, और ठीक उसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष होते हैं, दिव्य लोग होते हैं, वो स्वयं के लिए धन का संचय नहीं करते, वे हमेशा परोपकार के लिए, पर दुख कातरता के लिए, दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए धन का संचय करते हैं, और जरूरत पड़ने पर वो दीनहीन लोगों की सहायता में अपने सर्वस्व धन को न्यौछावर कर देते हैं। तो मनुष्य को हमेशा परोपकार की भावना अपने मन में बनाए रखनी चाहिए, ऐसे इसका व्याख्यात्मक रूप हम करते हुए चलेंगे। अगला है, थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरा, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात रहीमा, करे पाछली बात। तो देखिए बहुत ही अच्छी बात इसमें कही गई है और बताया गया है कि जो व्यक्ति स्वयं अपनी बढ़ाइयाँ करते हैं या फिर डींगे मारते हैं, उन व्यक्तियों के ऊपर इसमें अपेक्ष किया गया है और कहा गया है कि थोते बादर कुआर के जो रहीम गहरा। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से वर्षा ऋतु के बाद जब कुआर का महीना आता है, उस कुआर के महीने में जो बादल हैं वो पानी से खाली हो जाते हैं, रित जाते हैं, थोते हो जाते हैं, और वो चारों ओर कर उमड़ घुमड़ करके आते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से बरसात नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति पहले कभी धनवान थे, धन संपन्न थे, और बाद में वो निर्धन हो जाते हैं, तो अपने उन अतीत के दिनों को, अर्थात जब वो धनवान थे उन दिनों की बातें वो बार बार करते हुए रहते हैं, बार बार करते हुए रहते हैं। इस प्रकार से रहीमदास जी ने इस दोहे में कहने का प्रयास किया है। तो व्याख्यात्मक रूप से अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा करके इसके अर्थ को हम खोलें तो वो रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से क्वार के महीने के जो बादल हैं वो थोते हो जाते हैं, अर्थात रिक्त हो जाते हैं, जल शून्य हो जाते हैं, उनमें पानी की बूंदें नहीं होती, और वो चारों होकर के उमड़ घुमड़ करके बार बार आते हैं लेकिन बरसात नहीं करते, ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति कभी धन संपन्न थे और बाद में निर्धन हो गए, वो भी अपने धन संपन्न या वैभवपूर्ण जीवन की बातों को बहुत बड़ा चढ़ा करके, बहुत बड़ा चढ़ा करके बार बार करते हैं और हमेशा उन्हीं बातों की डींग हाँकते हुए रहते हैं।
तो मनुष्य को जो बीता हुआ समय है उसके बारे में बार बार बात करना नहीं चाहिए, ऐसा रहीमदास जी ने इसमें संदेश दिया है। आगे जो अगला दोहा है उनका वो है, रहीमन असुवन ने असुआने ने डरी जे दुख प्रकट करे जाय निकारो गेहते कसन भेद कह दे रहीम कसन भेद कह दे। तो देखिए रहीमदास जी ने इस दोहे के माध्यम से संदेश दिया है। रहीमदास जी कहते हैं कि हमेशा अगर कोई भी भेद की बात है और हमारा कोई नज़दीकी व्यक्ति है, अगर हम उसको मौका आने पर निकालें तो वह हमारे उस भेद को, उस रहस्य को अनेकों लोगों से कह देगा या फिर हमारे शत्रु से जाकर के कह सकता है, अर्थात घर का भेदी लंका ढाए, वो कहावत इसमें चरितार्थ हो रही है। और कहा गया है, रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन असुमान नयन डरी जे दुख प्रकट करे जाय निकारो गेहते कसन भेद कह दे, कि हमेशा अगर किसी का मन दुखी है तो उसके नेत्रों से अर्थात उनकी उसकी आँखों से हमेशा पानी या दूसरे शब्दों में कहें तो आंसू आते हुए या झड़ते हुए रहते हैं, जो उसके मन की व्यथा को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होते हैं, अर्थात वो सारे भेद को उसके आंसू हैं वो ही व्यक्त कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से अगर हम किसी व्यक्ति को या अपने मित्र को अपने घर से निकालते हैं तो वह हमारे शत्रु से जा करके और हमारे संपूर्ण भेदों को कह देता है, व्यक्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे मन के भेद को हमारे आंसू हैं वो व्यक्त कर देते हैं। अगला है, रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गो सुनी हटले हैं लोग सब बाँटन ले हैं कोय रहीमा बाँटन ले हैं कोय। तो देखिए इसमें भी बहुत अच्छा संदेश रहीमदास जी ने दिया है इस दोहे के माध्यम से, और कहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो। रहीमदास जी कहते हैं और वर्णन करते हैं कि मनुष्य को अपने मन की बात अपने मन में ही रखनी चाहिए, उसे किसी दूसरे के सामने व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय ऐसा परिवर्तनशील हो गया है कि जिन व्यक्तियों को हम अपना समझ करके अपनी बातों को अपने मन की व्यथा को उनके सामने व्यक्त करते हैं तो वह उसे सुनकर के हमें सांत्वना नहीं देते बल्कि हमारी हंसी उड़ाते हैं। सुन हंस ले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई, अर्थात वह हमारी पीड़ा को या हमारे कष्ट को बांटने का प्रयास नहीं करते, उसे समाप्त या कम करने का प्रयास नहीं करते बल्कि उल्टे हमारी उस दशा के ऊपर हमारे ऊपर हंसते हैं। इस प्रकार से रहीमदास जी ने इसमें कहा गया है। अगला जो दोहा है उस दोहे में और रहीमदास जी कहते हैं, दीन सवन को लखत है दीनन लख न को, एक बार पुनः सुन लीजिए, दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न को, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होय रहीमा दीन बंधु सम होय। तो देखिए दीन दुखियों के ऊपर प्रत्येक मनुष्य को द्रवित होना चाहिए, ऐसा संदेश इसमें व्यक्त किया गया है। और कहा गया है कि हमें हमेशा जो दीन दुखी लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए।
और कहा कि दीन सबन को लखत है कि जो दीनहीन व्यक्ति होता है अर्थात जो गरीब असहाय व्यक्ति होता है वो हमेशा सहायता के लिए दूसरों की ओर अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की ओर हमेशा लखना मीन्स देखना, देखता हुआ रहता है। लेकिन उस दीनहीन या गरीब व्यक्ति के को कोई भी नहीं देखता है अर्थात उसकी तरफ किसी की नज़र तक भी नहीं जाती है। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर ऐसे दीनहीन या गरीब व्यक्तियों की ओर जो व्यक्ति देखता है और उनकी सहायता करता है वह स्वयं परमात्मा के समान अर्थात ईश्वर के समान होता है। कहा है कि दीन सबन को लखत है दीन न लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे अर्थात जो दीन दुखियों को देखता है दीन बंधु सम हो अर्थात वह स्वयं परमात्मा के समान ईश्वर के समान हो जाता है। इस प्रकार से इसमें रहीमदास जी ने कहने का प्रयास किया है। अब यहां से आगे के जो दोहे हैं रहीमदास जी के वह हम आप लोगों को अगले वीडियो में लेकर के आएंगे कोई भाव और अर्थ सहित। थैंक यू, धन्यवाद।